अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं अफ़गानी चिकन की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस लगते है, बहुत ही इसकी स्मूथ और बहुत ही टेस्टी सी ग्रेवी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हम इसका मसाला पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पे पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है, इसे हम मिक्सर के जार में डालना है, और प्याज लिए हमने, एक प्याज लिए, हरी मिर्च लेंगे, आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्च डालें। आपके पास तीखी मिर्ची है तो आप थोड़ी कम डालें, और अगर आपकी मिर्ची तीखी नहीं तो ज़्यादा डालें, और तीखा अपने हिसाब से रखें। लहसुन अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे और काजू डालेंगे। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं तो इस टाइम पे अदरक लहसुन ना डालें। हम इसी के साथ अदरक लहसुन को भी पीस लेंगे, और 200 ग्राम हमने दही भी डाल दिया, और मिक्सर में इसे पानी डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और पीस लेंगे। यहाँ पे हमने 600 ग्राम चिकन लिया है, इसके अंदर एक नींबू का रस निचोड़ेंगे, इसके जो भी बीज है उसे निकाल लेंगे। अभी इसके अंदर हम अमूल की फ्रेश क्रीम डालेंगे, ये भी हम 200 ग्राम के बराबर डाल देंगे, और हमने जो मसाला पीस लिया है उसे डालेंगे। और अगर आपने अदरक लहसुन इसके साथ नहीं पीसा तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें इस टाइम पे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी को हमने थोड़ा सा सेक लिया हल्का सा, और इस तरह से क्रश करके डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे आधा चम्मच, गरम मसाला डालेंगे एक चम्मच, और चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच के बराबर। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसे मैरिनेट होने के लिए हम 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे। हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए रख रहे हैं, और इसे अभी हम ढक के फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए अच्छी तरह से। आप इसे जितना ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखते हैं चिकन को, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो आधा घंटा भी रख सकते हैं, या 1 घंटा 2 घंटा आप अपने हिसाब से रख लें। और अभी हमने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसमें से जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसमें से सिर्फ चिकन के पीसेस निकाल लेंगे, और लो फ्लेम पे इसे सेक लेंगे, फ्राई करेंगे थोड़े से ऑयल में, अलग पलट करते हुए इसे हमें सेक लेना है, और साइड में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने 2 चम्मच के बराबर बटर डाला है, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, लवंग और तेज़पत्ता डालेंगे, और जो मैरिनेट करते समय जो हमारा मसाला था उसे डालेंगे। मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, और यहाँ पे हमारा चिकन भी साइड में पक रहा है, तो इसे अलग पलट करते हुए हमें इसे सेक लेना है। साइड में हमारी ग्रेवी में भी बॉईल आ चुका है, और चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे अभी हम हमारे ग्रेवी में डालेंगे और मिक्स करेंगे। और इस टाइम पे आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको इसके अंदर नमक वगैरह चाहिए तो आप डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। दस मिनट पकने के बाद इसके अंदर अभी हम हरा धनिया डालेंगे, और उसका गैस बंद करेंगे और सर्व करेंगे। आपको इसके अंदर जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं, और अगर आपको इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, पतली चाहिए, तो आप इसके अंदर दूध डाल सकते हैं, और इसे हम इस तरह से सर्व करेंगे। और जब ये ज़्यादा ठंडी होगी तो ये ज़्यादा गाढ़ी भी होगी इसकी जो ग्रेवी है वो,
आप अपने हिसाब से इसके अंदर दूध या आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। वो इस तरह से बन, तो ये देखिए हमारी अफगानी चिकन रेडी हो चुका है। तो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप भी इस तरह से ट्राई करें। और अगर आप कौश का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।